एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित मदाला फतेहपुर गांव पहुंचा। लगभग 8000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान रहीसा बैगम द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 4000 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव में लगभग 750 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 387 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 55 हैंडपंप वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वही बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 20 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है तथा पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए 50 सोलर लाइट सरकार से लगवाने की मांग है। बोलो, मैं मोहम्मद नईम, ग्राम प्रधान पुत्र मदाला फतेहपुर से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ एबीपीएस न्यूज़ चैनल का जो मेरे गांव तक पहुँचे और मेरे गांव के विकास कार्यों में पूछ के सहमति मांगी कि काम किया है या नहीं किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस पूरी टीम का जिन्होंने यहां तक आने का कष्ट उठाया और मेरे गांव में जहां जहां कार्य हुए वहाँ लोगों से पूछा कैसा काम हुआ कैसा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे गाँव की जितनी भी धनराशि मुझे अभी तक मिली मैंने पूरी मेहनत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ, ना कोई भेदभाव करते हुए मैंने हर जगह हर मोहल्ले में काम करा है। यहाँ तक कि सीसी टाइल्स से लेके, खरंजों से लेके, मनरेगा से कच्ची सड़कों से लेके सारे काम पूर्ण रूप से कराए। अगर बात विकास की और उसकी होती है तो मैं विद्यालय से शुरू करता हूँ। मेरे गाँव में जो विद्यालय की पहली हालत थी वो बहुत खस्ता हालत थी, लेकिन जैसे ही प्रधान बने हमने सबसे पहला काम हमने विद्यालय पे दिया, क्योंकि हम खुद एक पढ़े लिखे परिवार से हैं और हमारा काम यह है कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई ही महत्वपूर्ण है आज के दौर। उस सब बातों को लेकर हमने वहाँ पे शौचालय बनवाए, समर सेविल की फिटिंग कराई, स्कूल की बाउंड्री कराई, बाउंड्री के बाद उसके गेट वगैरह का सब निर्माण कराया और पेड़ पौधे लगवाए ताकि वहाँ पर बच्चे बैठे और बच्चों को खुशी हो, अच्छा लगे और वो रोज़ टाइम से पहुँचे। जो व्यवस्था पहले नहीं थी, आने जाने की, टीचर्स की, सारी वो सारी व्यवस्था कराई। यहाँ तक कि मिड डे मील बनता है, उसमें कोई कैसी परेशानी नहीं है, पूरे गांव में कोई विवाद नहीं है, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। बात सड़कों की आए तो बहुत सी सड़कें ऐसी थी जो विवादित एरिए थे, जहाँ पर लोग ये है कि हम ऐसा नहीं बनवाएंगे, वो हमने निपटा के बड़ी बड़ी सड़कें निर्माण कराया। गांव का विकास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गांव से ही हमारे देश की उन्नति है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब बहुत सी सड़कें बनने के बाद भी नाले ऐसे बने जहां पे लोगों ने कहा कि यहां पे विवाद है, वो निपटाए, सारे काम कराए। मैं बस सारे जो मेरे करने का था मैंने अपना काम पूरी मेहनत से किया है। मैं बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अपील करता हूँ क्या हमारी ग्राम सभा पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, जो कार्य अधूरे हैं वो पूरे किए जाएं। जैसे कि पंचायत घर के काफ़ी खस्ता हालत है, वहाँ पे हमने मिट्टी पड़वा दी है, करीब 300-400 ट्राली वहाँ पे पड़ी थी, वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई, लेकिन पंचायत घर की मरम्मत होना ज़रूरी है तो उसके लिए पैसा दिया जाए। दो बारात घर बहुत ज़रूरी है, 8 से 10 हज़ार की आबादी है, 4 से 4.5 हज़ार का पोलिंग है, तो इसलिए मैं आप अनुरोध करता हूँ कि जो भी कार्य होने बोले उसके लिए जो पैसा दिया जाए। और मैं अपील करता हूँ कि साफ सफाई को लेने के ऊपर प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान हो रहा है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ ऊपर जो अधिकारी लोग हैं कि साफ सफाई के लिए इतनी बड़ी आबादी में कम से कम 2 से 3 सफाई कर्मी दिए जाएँ।
और मैं अनुरोध करता हूँ कि जो पैसा रुका हुआ उससे हम चाहते हैं कि लाइट्स लगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और जो हमने लाइट लगवाई हैं वो कम लाइटें, खम्भे लगवाए हैं, और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं विकास की जो हम कराई, हमने पेयजल के लिए भी लिख के दिया, इस बार सारी चीज़ें दी हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ क्या सरकार से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, और मैं एक बार फिर ABPS न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरे गांव तक, मेरी ग्राम पंचायत तक पहुँचे, मुझसे सवाल किए, लोगों से सवाल किए। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ नेक और पूर्ति के साथ ये काम पूरा करूँ, आगे भी अगर मेरे लायक कोई भी काम हो गाँव के लिए, मैं हमेशा आधी रात तैयार हूँ। अगर मुझसे कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके लिए हमेशा काम आऊँ, यही अपील करता हूँ। मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है, हम लोग विकास चाहते हैं, विकास ही हमारा नारा है, हम भेदभाव छोड़ के और सिर्फ विकास का ही काम करते हैं। मैं तौसीफ अहमद, ग्राम मदाला फतेहपुर का निवासी हूँ, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, पहले ये कच्ची थी बिल्कुल, और अब ये प्रधान जी ने बिल्कुल सही करा दी है, और अब ये बढ़िया सड़क हो गई है। काम बहुत बढ़िया कराया है इन्होंने, और ये बिना भेदभाव के बहुत अच्छा काम करा रहे हैं।